डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, आज संडे है और संडे को किसी एक टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं। एक्चुअली आज जो है सुबह से ही लाइन कटा हुआ है, आप लोगों को लाइट अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन कोई उपाय नहीं है। और लाइन का अगर इंतज़ार करें तो वीडियो बनने वाला नहीं है, इसीलिए आप लोगों को बातें सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। फेस ठीक से दिखाई दे या ना दिखाई दे उतना महत्व नहीं रखता। तो मैं बता रहा था संडे को एक टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो आप लोग सोचते होंगे कि इतने सारे टॉपिक्स जो मेरे पास आते हैं वो टॉपिक्स मैं कहाँ से लाता हूँ। हो सकता है आप सोचते होंगे कि किसी बुक से मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद जो है वही टॉपिक को रट्टा मार के फिर आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपने लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम्स को झेला है, फेस किया है, और उसी को मतलब मेरा लाइफ का जो एक्सपीरियंस है मैं उसी को आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जो अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करके झेल के उसको पार करता है उसके लाइफ में ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होता है। उसी तरह से ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उसी को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं स्टूडेंट लोगों के लिए, आप लोगों के लिए ये टॉपिक लेके आया हूँ कि छापा मशीन ना बने, डीपली पढ़ाई करें। एक्चुअली क्या है कि बच्चों को आजकल, मेरे पास तो कई सारे स्टूडेंट जो ट्यूशन में है ही, तो उन सारे बच्चों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर उन लोग ऐसा करते हैं तो सारे बच्चे लगभग ऐसा ही करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आए गए और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को मैंने यही देखा कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो बुक से जो चैप्टर जो होता है उसका क्वेश्चन आंसर बना लेते हैं, मैं बनवा देता हूँ या फिर स्कूल से उसको मिल ही जाता है। इस तरह से बनाने के बाद क्या होता है, वो उसको कॉपी में बंद करते हैं और आराम से घर में रख दिया करते हैं। उनको लगता है कि मेरे पास तो क्वेश्चन आंसर तो है ही, मुझे अब इसकी क्या हो सकता है, और उससे मतलब वो बिल्कुल ही बेफिक्र हो जाते हैं। उनके पास जो क्वेश्चन होता है उसके बाद फिर वो उसको पढ़ते नहीं है, स्टोर करके रख लेते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है कि उसको पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है, सिर्फ उसको छाप के आप रख दिए। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा समझते हैं कि हमारा ड्यूटी ख़त्म हो गया, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट चैप्टर पर जाते हैं, फिर उसको छापते हैं, फिर बंद करके रख देते हैं। फिर इसी तरह से पूरा वन ईयर में जितना भी संभव होता है क्वेश्चन आंसर करते हैं और मोस्टली वो स्टोर करके रख देते हैं, जबकि उसको स्टोर करना नहीं है, उसको पढ़ना है, याद करना है। तो पढ़ाई करने का ऐसा मतलब नहीं है कि आप क्वेश्चन आंसर किए और स्टोर करके रख दिए। पढ़ाई करने का मेन मकसद है कि आपको नॉलेज गेन करना है, नॉलेज गेन करना है। पढ़ाई लिखाई का मतलब होता है, गिनती क्या होता है, शिक्षित होना। तो आपको शिक्षित नहीं होना, आपको सिर्फ डिग्री नहीं लेना है, आपको शिक्षित नहीं बल्कि नॉलेज गेन करना है। कहा जाता है कि एक शिक्षित व्यक्ति एक ज्ञानी व्यक्ति नहीं हो सकता, तो आपको सिर्फ शिक्षित नहीं ज्ञानी बनना है। आज मेरे पास जो भी नॉलेज है, या भी जो मेरे पास वैसे ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं, लेकिन जो कुछ भी नॉलेज है उसके पीछे मैं कुछ ट्रिक्स लगाया करता था पढ़ाई के लिए। तो पढ़ने के दौरान जो भी क्वेश्चन आंसर जो होता था, सबसे पहले मैं चैप्टर जितना भी होता था सारे चैप्टर को मैं पढ़ लिया करता था, और चैप्टर को एक बार नहीं, कई चैप्टर जो थोड़ा आसान महसूस होता था उसको कम पढ़ा करता था, और जो चैप्टर लगता था कि इसको समझने में प्रॉब्लम होता है उस चैप्टर को मैं चार बार पांच बार पढ़ा करता था। उसका फिर क्वेश्चन आंसर या तो स्कूल से मिलता था या ट्यूशन से मिल जाता था, या फिर अगर इजी रहा तो खुद भी बना लिया करता था। उसके बाद उस क्वेश्चन आंसर को कई बार रटते थे, पढ़ते थे उसको। उसके बाद मेरा कॉपी जो रहता था, आपको कॉपी में कहीं भी ब्लैंक जो पेपर होता है, खाली पेपर आधा लिखे और फिर आधा जो है फिर बच जाता था, उसको वहाँ पे छोड़ दिया जाता था, तो वैसा तो मैं करता ही था। लेकिन उसके बाद जितने भी खाली पेज बचा हुआ करता था उसको मैं क्वेश्चन का जो आंसर है उसको प्रैक्टिस करने में यूज़ करता था। इसीलिए मेरा कॉपी कहीं भी आपको खाली नहीं मिलेगा। पुराना कॉपी अगर मैं गाँव में जाऊँ वहाँ पर उसको ढूंढ कर देखूँ तो उसमें ज़्यादातर खाली नहीं रहा करता था प्रैक्टिस करने में, और उसमें या तो फिर क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस किया करता था या फिर मैथ का जो क्वेश्चन रहता था तो उसमें टीचर बतलाते थे कि इसको रिवीजन करना है, तो रिवीजन करने के दौरान उस तरह का जितने भी पेज बचा रहता था वो सारे पेज मैथ बनाने में ख़त्म हो जाया करता था। ये तो हो गया मेरा पढ़ाई का खुद का आइडिया, ये था। आप कोई दूसरा आइडिया भी लगा सकते हैं पढ़ाई करने के लिए, आपको जो सुविधाजनक हो, जो अच्छा लगे वैसा आइडिया अपना सकते हैं। हर किसी का अपना अपना आइडिया हो सकता है। मैथ बनाने के दौरान क्या होता था, मैं स्कूल से मैथ क्वेश्चन जो होता था उसका सोल्यूशन जो है मुझे मिल जाता था, बना कर दे दिया जाता था या फिर ट्यूशन से ले लेता था, तो वहाँ पे जो कुछ भी समझाया जाता था मैं बेसिकली सुन लिया करता था। उसके बाद जो कुछ भी समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर जब मैं उसको घर लेकर आता था उसको एनालाइज किया करता था,
अब एनालाइज का मतलब क्या है, उसको जांच पड़ताल, वो क्वेश्चन कैसे बना, उस पर छानबीन क्या करता था कि कैसे बना और कैसे मुझे इसको अपने तरीके से समझ में आएगा, उसका जो मेथड है वो कौन सा मेथड होगा जो हमको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें मैं उस पर एक घंटा दो घंटा टाइम दिया करता था मैथ के लिए, जो उसका क्वेश्चन हुआ करता था। जब तक मैं उस क्वेश्चन को खुद नहीं समझ लूँ तब तक मुझे चैन नहीं मिलता था, मैं कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता था। और आज भी मेरे साथ यही चीज़ है, कई सारे क्वेश्चन आज भी ऐसा आते हैं। अब नॉलेज तो ऐसा चीज़ है कि कोई भी कम्प्लीटली गेन तो कर नहीं सकता, आज भी मेरे साथ बहुत सारा इस तरह का प्रॉब्लम आता है, तो कई बार मैं कई क्वेश्चन में अटक जाता हूँ। तो उसको फिर उसका सोल्यूशन मुझे ऑनलाइन मोबाइल से भी मिल सकता है, मिल जाता है कई बार, और गाइड वगैरह से भी मिल जाता है, या फिर कोई फ्रेंड जो है और जो अच्छा नॉलेजियस्ट फ्रेंड है उससे पूछ लेता हूँ, वहाँ से भी मिल जाता है। लेकिन वहाँ से सोल्यूशन मिलने के बाद फिर से मैं उसको देखता हूँ कि मेरा मेथड क्या है, तो इसीलिए पहले मैं खुद समझता हूँ उसको, उसके बाद स्टूडेंट को बतलाता हूँ कि ये आसानी से ऐसे समझ में आएगा। तो इस तरह से मैंने कई सारे चैप्टर्स के वीडियो बनाए हैं। तो इसका मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको जो वीडियो दिया जा रहा है आप डायरेक्ट उसके पीछे में जाएंगे, क्योंकि उसका क्वेश्चन आंसर तो पीछे में दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट वहाँ जाएंगे, वहाँ पे पहुँच करके डायरेक्ट जो है उसका क्वेश्चन आंसर छापेंगे और फिर स्टोर करके रख देंगे। तो यही चीज़ नहीं करना है, आप क्वेश्चन आंसर लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम एक बात ये ध्यान दीजिए कि कम से कम एक बार उस वीडियो को पूरा देखा जाए, उस चैप्टर में क्या कहानी है, क्या चीज़ बतलाया जा रहा है, वो सारी चीज़ें छूट जाएगा और आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर लेके उसको जो है स्टोर करके रख देंगे या उसको उसके बाद याद करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप क्वेश्चन आंसर वहाँ से लिख लिए, अब याद कर रहे हैं, तो स्टोरी जब तक, चैप्टर का स्टोरी जब तक आपके अंदर नहीं आता है तो क्वेश्चन आंसर भी आसानी से याद नहीं होता है। तो इसीलिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरा वीडियो ही देखिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये जरूर कीजिए कि अगर आपके पास बुक है तो आप उसको स्टडी कीजिए, चैप्टर को एक बार दो बार तीन बार चार बार, मतलब जब तक आपके अंदर लगे नहीं कि हाँ ये चैप्टर में जो चीज़ें बतलाया गया है, जो चीज़ें समझाया गया है, वो चीज़ें मेरे अंदर आ गया है, तब तक जो है कम से कम उस चैप्टर को पढ़िए। इसके अलावा नहीं तो आपको पढ़ने में बोरिंग लगता है कई सारे स्टूडेंट को, तो वैसे स्टूडेंट को बतला रहा हूँ कि जो स्टडी करने में अच्छा नहीं लगता है तो वैसे लोग वीडियो को दो बार तीन बार देख सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि चैप्टर में क्या बतलाया गया है वो चीज़ आपके अंदर आ गया, आपके अंदर वो चीज़ जब आ गया तो फिर क्वेश्चन आंसर को आप लिखते हैं, उसको याद करते हैं, तो आसानी से वो क्वेश्चन आंसर आपको याद हो जाता है। प्लस जो मैंने आंसर दिया हुआ है, हो सकता है कि सेम टू सेम वही वर्ड बाय वर्ड, कोई जरूरी नहीं लिखना, आपको स्टोरी अगर याद है तो आप एग्जाम हॉल में जब बैठे हैं तो हो सकता है सारा कुछ आप भूल जाए, लेकिन स्टोरी याद है तो आप उसका मतलब खुद आंसर बना सकते हैं, खुद आंसर उसको दे सकते हैं। इसीलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आप वीडियो से कवर कर सकते हैं या बुक है आपके पास तो उसको जरूर पढ़िए। ये चीज़ मैं बतलाना चाह रहा था कि सिर्फ छाप कर क्वेश्चन आंसर को रखना नहीं है, आपको पूरा चैप्टर को पढ़ना है, मैथ का जो क्वेश्चन है उसको पूरा एनालाइज कीजिए, आप अपने मेथड से उसको समझिए, तब जो है आपको वो क्वेश्चन जो है आपके अंदर आ जाएगा और आप उसको सीख जाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीक जो है मैं एक टॉपिक सोच के रखा हुआ हूँ और स्पेशली वो गार्जियन के लिए है। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल में एक्टिव हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने गार्जियन को उस वीडियो को जरूर दिखाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और वैसे गार्जियन जो हमारे चैनल पे आते हैं, वीडियो अगर देखते हैं, तो आप दूसरे गार्जियन को जरूर शेयर कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीक आप लोगों से एक नए वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।